सितलाब विधानसभा क्षेत्र का आगे ककौली गांव लगता है, और विधायक जी ने अपने रिपोर्ट कार्ड में ये भी दर्शाया था कि ककौली गांव से लेकर के आईएम रोड तक की जो सड़क है उसका मरम्मत का कार्य उन्होंने करवाया है। कितनी मजबूत सड़क है आप देख सकते हैं मेरे पीछे, लोग निकल रहे हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सड़क जो उन्होंने बनवाया है वो कितना मजबूत है और कितना सफल रहा है। आप यहीं पे बैठे हैं दादा, दुकान लगाते हैं, क्या लगता है ये सड़क कितनी मजबूत बनी? भैया कितनी मजबूत का, अब एकदम वही सब हालत डाउन है, थोड़ी बहुत जो भी है रोड सब आराम पार टूटी, हनुमान चौराहे तक लेके पूरा आगे तक, हनुमान आगे चौराहे तक हाँ सब टूटी हुई है, और यहाँ पर जनता बहुत चलती है, बहुत परेशान है जनता। इस वजह पे दादा कितने लोग जाते आते हैं? अरे बहुत लोग, कम से कम हम का 10 लाख आदमी नहीं गुजर जाता है ना, सुबह शाम बहुत तगड़ी भीड़ है सब होती है, और सभी रास्ता दरवाजे तक सब एकदम गड्ढा कर दिए हैं। इस वजह से हम लोग जो है यही निवासी करते कि वो लोग कह गए थे कि जो है लाउड का जो है अभी हम सही और कर देंगे, कहीं कुछ नहीं किया बस थोड़ा, हाँ कह गए थे कर देंगे, अभी डामर बढ़ेगा बरसात खत्म हो जाने पर, कुछ नहीं किया। अच्छा मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया था, फिर कहे कि भैया डामर पड़ेगा और मजबूत कर, हाँ मजबूत कर देंगे ना, तो आप लोगों जो है थोड़ा सुरक्षा सही हो जाएगी। लेकिन गड्ढी गुड्ढा का आया है, अब एकदम रोटे खराब है पूरी, हाँ इस वजह से गड्ढी गुड्ढा कोई सवाल नहीं। मैं रामाई लोगों से यही रोदा रहती है कि रोड सही हो सब जनता के लिए, जब है मार्ग ठीक हो जिससे एक्सीडेंट भी हो जाता होगा इसमें तो, हाँ बहुत हो गए ना, बहुत चोटा जाते हैं ना, खंते खंता सब हो गए बराबर सब, पता नहीं सब क्या हुआ, निशाचर देख लीजिए। ये आपने देखा, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहीं पे रहते हैं, इन्होंने बताया कि जो सड़क की यहाँ पे अगर बात की जाए तो मरम्मत कार्य वहाँ किया है, मगर सड़क उस हिसाब से बहुत ही सही नहीं है, सड़क ख़राब है। आप यहीं पे रहती हैं, आपके सामने सड़क जा रहा है ना, हम कैमरे के नज़र से दिखा रहे थे सड़क कैसे, ये बताइए दिक्कत होती होगी, लोग जाते होंगे, बहुत लोग भैया गिर चुके हैं, बहुत लोग गिर चुके हैं यहाँ पर, एक बार तो एक बच्चा एक औरत और आदमी वो भी गिर गए थे। ये यहाँ की सड़क मार्ग है, कुछ लोग जा रहे थे, इनसे भी बात करेंगे। भैया ये बताइए आप जा रहे हैं, ये सड़क जो है ना ककौली तक आगे जाती है, बहुत ही बेकार रोड है ये, कहाँ तक खराब है, आगे खराब ये आगे अन्ना मार्केट तक खराब ही है, ये पूरी खराब है, पूरा खराब है भैया। ये आईएम रोड तक आगे जाएंगे तो बीच में भी खराब, बीच में सही है कहीं कहीं, बाकी खराब, जो एल्डिगो आगे बना वो हाँ सही है, बाकी इधर सब खराब ही है, तो बड़ा दिक्कत एक्सीडेंट वगैरह होने का। अरे बहुत ज्यादा होता है यार यहाँ, वो रात में तो बहुत ज्यादा होता है एक्सीडेंट वहाँ पे, कुछ एक्सीडेंट हुआ लगभग 15-20 दिन हो गया एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे। अभी सड़क क्या मतलब आपको लग रहा है, बड़ी मजबूत सड़क बनी है? नहीं 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 नहीं, खर्चा हुआ है सड़क? अरे कुछ नहीं खर्चा हुआ है, देखिए खर्चा होने लग रही है, अभी अभी रिपेयर हुई थी कुछ 1 हफ्ता पहले, ये लग रहा है रिपेयरिंग हुई है इसकी। अच्छा 1 हफ्ता पहले बता रहे हैं रिपेयर हुआ है। हाँ ये तो पड़े थे, इसमें ईंटे वीटे डलवाए गए थे और फिर वैसी हो गई। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी, भाई साहब एक मिनट आइए एक मिनट आइए, तो यहाँ के जो लोग हैं इनसे हम बात कर रहे थे। भैया ये बताइए आप जा रहे हैं इस रास्ते पे जा रहे हैं ककौली तक जाता है ना रास्ता? जी जी, तो ये सड़क यहाँ पे तो बड़ी सड़क खराब है, इसमें विधायक जी ने बताया बड़ा खर्चा किया है, सड़क बड़ा मेंटेन करा है, 20 लाख रुपए इसमें खर्चा कर दिया गया, आपको लग रहा है इसमें खर्चा? 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ लग रहा है, लग तो ऐसा रहा है सड़क की हालत देख कर, सही नहीं भाई, खतरा बना रहता है, बहुत दिक्कत है। अभी यहाँ पे आगे देखिए ट्राली पड़ गई थी वहाँ पे गड्ढा है, तो बहुत दिक्कत है, बारिश में और दिक्कत, बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत, बारिश में पानी भरा तो 2 वाहन साथ में क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा। ये दिक्कत, ये देखिए यहाँ के और भी लोग हैं स्थानीय निवासी हैं, भैया आपका घर यहीं सामने है, ये बताइए यहाँ ये रास्ता जो है ये रास्ता मेंटेन कब हुआ था, कुछ समय पहले हुआ था? ये कभी हमारे सामने तो अभी कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, बहुत पहले हुआ था तो उससे बात कर रहे कि टेम्परेरी टाइप का मेंटेन करके गए थे, हुआ था तो पानी गिरा हुआ वैसे हो गया, फिर नहीं हो गया मतलब काम चला उभर का खाली गए थे, खाली गिट्टी पड़ी थी बस, ये रोड़ी पड़ी थी बस और कुछ नहीं पड़ा। अच्छा ये जो रोड़ी पड़ी थी ये हम कैमरा पर्सन करने दिखाएं, ये कह रहे हैं ये रोड़ी, अब देख सकते हैं ये रोड़ी ही पड़ी है लगभग, क्यों भैया रोड़ी लग रहा है? नहीं बस बस, हाँ यहाँ नहीं पड़ी थी तो हम लोग ने ड्राइव, वो पड़ी थी वहाँ पे खाली बस। अच्छा हाँ खाली वो पड़ी थी, वो खाली एक मिनट, हाँ बताइए, वापस उठा ले गए जो गिट्टी उट्टी डाले थे, हाँ सब वापस उठा ले, मतलब यहाँ कुछ डाले थे बाद में क्या उठा ले गए। बता रही है कि गिट्टी उट्टी भी डाला गया था, आप देख सकते हैं बजड़ी टाइप का पड़ा हुआ है, एक फॉर्मेलिटी की गई है
कि रास्ता जो है खाली बना दिया जाए, मगर मजबूती कितनी है इस रास्ते में ये आप देख सकते हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सिर्फ टेम्परेरी लेवल पर रास्ता जो है बनाया गया है, मजबूती के नाम पर यहाँ पर आप कहना चाहेंगे कि मजबूत नहीं है। नहीं है, नहीं है ये मजबूत जो है लोग कह रहे हैं, नहीं है। जाहिर सी बात है थोड़े से यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ पड़ चुकी, दो तीन टाली पड़ चुकी है, ट्रैक्टर पड़ चुके हैं, यहाँ पे खेत में चले गए, एक्सीडेंट हो जाता है बहुत। जब गड्ढा गुड्ढी रहेगा बराबर रहेगा ना तो वैसे गिर जाएंगे। ये बताइए ये आगे जाता है ककौली गांव, हाँ, ककौली गांव, और ये इधर चला जाता है आई एम रोड हाँ। बीच में और कहां तक और आगे भी खराब है, बहुत खराब है जो आगे वहां भी पलटे थे ट्रैक्टर ट्राली, खराबी है पूरी रोड खराब है, पूरी रोड खराब है। ये यहां के लोगों ने बताया ककौली मार्ग से लेकर के आगे आई एम रोड तक के बीच में। विधायक जी ने अपने रिपोर्ट कार्ड में इसको दर्शाया था कि यहाँ पर तकरीबन 20 लाख रुपए खर्चा हुआ है और इस सड़क का मरम्मत कार्य उन्होंने कराया है। कितना मजबूती से उन्होंने मरम्मत कार्य कराया है ये हम रिपोर्ट आपके सामने रख ही रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अभिषेक सिंह कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, जेएमडी खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।